ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। न केवल भारत के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए भी ये करो या मरो का मुकाबला है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हर हाल में हराकर अपनी सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रहना चाहेगी, वरना टीम इंडिया यहीं से सेमीफाइनल की रेस में दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगी। इसीलिए टीम इंडिया कोई तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना किया है। तय हो चुका है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आइए जानते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। तो आखिर कौन सी टीम घोषित हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ और किन बड़े बदलाव के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। पॉइंट टेबल की दृष्टि से देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है, जो कि पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर पाकिस्तान है, दूसरे पायदान पर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना तय हो चुका है क्योंकि बचे हुए 3 मुकाबले और वो भी छोटी टीमों के सामने है। दूसरे पायदान पर अफगानिस्तान है, तीसरे पायदान पर नामीबिया है, चौथे पायदान पर न्यूजीलैंड है और पांचवें पायदान पर भारतीय टीम का नाम आता है। भारत काफी पीछे है, इसीलिए भारत को इस मुकाबले में हर हाल में जीतना होगा। न केवल न्यूजीलैंड को हराना होगा बल्कि अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को भी हराना होगा। अगर भारत बचे हुए सारे के सारे मुकाबले जीत जाती है, भारत यहाँ पर किसी भी बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए भी सेमीफाइनल में जगह बना लेंगी। तो टीम इंडिया लग तो रही है कि जीत जाएगी, लेकिन एक ही मुकाबला टीम इंडिया के लिए अड़चन बना हुआ है, वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, आइए जानते हैं कौन सी टीम घोषित हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, रोहित अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, वहीं केएल राहुल 8 गेंदों में केवल 3 रन ही बना पाए, जिससे भारत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बड़े खिलाड़ी हैं, जो अपनी लय में होने पर किसी भी गेंदबाज की क्रम की बखिया उकेट सकते हैं। विराट कोहली ओपनिंग जोड़ी में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहेंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली का खेलना तय है। पाकिस्तान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, वो बड़ी पारी नहीं खेल पाई थी। उनकी जगह विराट कोहली ईशान किशन को मौका जरूर देना चाहेंगे क्योंकि ईशान बेहतरीन फॉर्म में है। आईपीएल और वार्म अप मैचों में उन्होंने कई बड़ी पारियां खेली है। चौथे नंबर पर अब ईशान किशन की जगह पक्की है। पांचवे पायदान पर ऋषभ पंत का स्थान भी पक्का है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अन्य बल्लेबाजों के मुकाबले अच्छा खेल दिखाया और एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर जरूर आया होगा। छठवें पायदान पर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बहुत ही बड़ा बवाल पैदा हो गया। सवाल ये भी है कि हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, तो अब मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर आ चुकी है, हार्दिक पांड्या अवेलेबल है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऐसी कोई बड़ी चोट उन्हें नहीं लगी है, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या ने बल्ले से कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और पता नहीं वो कब क्या चोटिल हो जाए, टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। तो अब हार्दिक पांड्या की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका मिलना तय हो गया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा है। वहीं 7 नंबर पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का उतरना अब तय हो चुका है। जी हाँ, रविंद्र जडेजा बैट और बल्ले से अच्छा योगदान देते हैं और टीम को अच्छी लय प्रदान करते हैं। गेंदबाजी में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट हासिल ही नहीं कर पाए। मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, इन सब ने एक भी विकेट नहीं लिया। लेकिन हम आपको बता दें कि मोहम्मद शमी की जगह विराट कोहली अनुभवी ऑफ स्पिनर आर अश्विन को मौका जरूर देना चाहेंगे। तो वहीं पर देखा जाए भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह का खेलना फिर से तय है। इसका मतलब ये हो गया कि स्पिनर के तौर पर आपको रविंद्र जडेजा के बाद में वरुण चक्रवर्ती और रविचंद्र अश्विन भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि टीम इंडिया 3 स्पिन के साथ जाने का फैसला कर सकती है। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे शार्दुल ठाकुर, जो कि टीम में प्लेइंग 11 में स्थान पक्का कर चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में और ऐसे क्या बदलाव हो सकते हैं जिससे टीम इंडिया मजबूत से मजबूत अपने खिलाड़ी उतार सकती है? क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।